और प्रदेश की तमाम महत्वाकांक्षी और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं में शामिल है वन स्टॉप सेंटर योजना। जिला प्रोबेशन कार्यालय के ही सहयोग से इस योजना को संचालित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत समाज की ऐसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं या फिर उन पर कोई घरेलू हिंसा हुई है, तो ऐसी महिलाओं को इस वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से न्याय दिलाया जाता है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक FIR दर्ज कराने के साथ सैकड़ों महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत न्याय मिल चुका है। लगातार यह काम जारी है। सेंटर मैनेजर गायत्री देवी ने बताया कि हम सब योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं की मदद करते हैं और उन्हें घरेलू हिंसा से बचाते हैं। जरूरत पड़ने पर FIR भी दर्ज की जाती है। अब तक सैकड़ों ऐसी महिलाओं को हमने न्याय दिलाया है और लगातार यह कार्रवाई जारी है। ऐसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, उनकी मदद की जाती है। आइए जानते हैं गायत्री देवी से पूरी योजना। क्या है पूरा? मैं वन स्टॉप सेंटर में सेंटर मैनेजर पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम गायत्री देवी है और वन स्टॉप सेंटर जो है भारत सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का कार्य किया जाता है। इसमें जिससे महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है, किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है, महिला को काउंसलिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है और अगर वो महिला चाहती है तो FIR दर्ज कराया जाता है। महिला पीड़ित है तो उसका मेडिकल कराया जाता है और महिला को लीगल विधि कार्रवाई की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। यानी महिला को एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं। अनुभवित हो चुकी हैं? यह जो है 2 साल से यह योजना चल रही है और इसमें लगभग सैकड़ों महिलाओं को लाभ मिला है। आगे भी आप लोग इसी तरह? जब भी हमें कोई सूचना मिलती है या कोई महिला एप्लीकेशन डालती है तो हम वहाँ पर जाते हैं। 112 की गाड़ी बुलाते हैं, उससे हम लोग जाते हैं और वहाँ पे उस महिला को जो भी ज़रूरत होती है, अगर विपक्षी वहाँ पर मिलते हैं तो उनको समझाया जाता है, नहीं समझते तो उनको लेकर आया जाता है। हमारे यहाँ पर काउंसलर हैं, स्टाफ नर्स हैं, इन सब की मदद से दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जाता है। अगर वो महिला जाने के लिए तैयार होती तो उसको वहाँ भेजा जाता, नहीं तो FIR दर्ज कराई जाती है। अच्छा, अब तक क्या FIR भी कुछ हो चुकी है इस पूरे मामले पे? हाँ, FIR दर्ज हुई है संबंधित थाने में। यहाँ प्रोबेशन अधिकारी जो है उनके द्वारा आदेश किया जाता है और वहाँ पर FIR। कितनी FIR अब तक अनुमानित दर्ज हो चुकी होगी? 3। अच्छा, आगे भी लगातार इसी तरह कार्यक्रम जारी है? ठीक, थैंक यू।